अस्सलाम व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनैरा और आप देख रहे हैं किचन विद सुनैरा। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ, आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीक़ेकार लेकर आई हूँ जिससे आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्लियर हो जाए। यानी कि आप जब नॉर्मल हांडी बना रहे होते हैं या फिर पतीली यूज़ करते हैं तो वो तो नॉर्मल सी बात होती है, आपको यूज़ करना आती है। लेकिन जो पहली बार हांडी इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये जो मिट्टी की हांडी होती है जो इस्तेमाल करते हैं, तो ये किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, इस्तेमाल करने से पहले क्या तदबीर आपको आजमाना लाजमी है या आपको क्या तरीके का आजमाना चाहिए जिससे आपकी हांडी यूज़ करने के बाद प्रॉब्लम्स ना हो या हांडी इस्तेमाल करते वक्त आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हांडी जो पहली बार इस्तेमाल करते हैं उनको ये पता नहीं होता कि हांडी के अंदर सालन डालने के बाद उसका जो पानी है वो लिक्विड है, वो हांडी पी क्यों जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से एहतियात करने के लिए, और कुछ लोगों की हांडी पकाते में वो चूल्हे पर रख देते हैं तो जैसे जैसे हांडी में या तो क्रेक आ जाता है या वो टूट जाती है या फिर बिना चेक किए उसे आप पकाने शुरू कर देते हैं कि उसमें कहीं पे कोई सुराख तो नहीं है, कहीं पे कोई बाल तो नहीं आया हुआ। तो उसके लिहाज से मैं आपको हांडी का इस्तेमाल करने से पहले जो तरीक़ेकार है वो आपको बताऊँगी, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं हम अपनी हांडी को काबिल इस्तेमाल बनाने के तरीके की तरफ कि किस तरीके से उसको इस काबिल बनाया जाए कि वो आप आराम से उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक के इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए आने वाले लोग हैं उन सबको खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं हम अपनी वीडियोस की तरफ। फर्स्ट टाइम हांडी यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि हांडी को अगर आपको लेकर अगर आप आते हैं तो इसके लिए लाजमी ज़रूरी है कि आप पहले उस हांडी को इस काबिल बनाएं कि उसे आप चूल्हे पर चढ़ा सकें, यानी कि उसके अंदर कुछ पका सकें और जो आपका खाना है वो जो उसके अंदर लिक्विड आप डालेंगे वो जब्ज ना हो जाए कहीं। क्योंकि जब आप हांडी में डालेंगे तो ये मिट्टी की हांडी है तो जैसे बात है जो पानी डालेंगे या कोई तेल डालेंगे वो ये पी जाएगी, ठीक है। या फिर कभी ऐसा होता है कि हांडी फट जाती है या क्रैक आ जाता है इसमें, ये टूट जाती है, तो काफ़ी सारे नुकसान इसके होते हैं। तो इससे पहले बेहतर है कि आप हांडी जब लेकर आते हैं तो इसको पहले अच्छी तरह से इसको पकाने के काबिल बनाएं। पकाने के काबिल से मुराद ये है कि सरसों के तेल के अंदर अच्छी तरह से रुमाल या टिश्यू पेपर ले लें या फिर इसके साथ रुई ले लें, आपकी मर्ज़ी पे है, वो लेके इसको अच्छी तरह से इसको भिगो दें। ये देखें, इसको अच्छी तरह से डिप करना है। डिप करके इसके अंदर ये तेल डालें और इसको जो आपकी हांडी इसको अच्छी तरह से लेप लगाना है। आपको क्या करना है, आपको सरसों के तेल का लेप लगाना है। ये देखें मैं किस तरह से कर रही हूँ, इसमें इतना सारा तेल भर रही हूँ और छोड़ रही हूँ और इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। जितना ऐसे तेल पीना होगा ये अभी पी लेगी, स्टार्टिंग में ही अच्छा खासा तेल ये पी जाएगी। अभी तो आपको लग रहा है कि ये नहीं पी रही, लेकिन इसको आपने कितने अगर आप दिन में करेंगे तो रात के टाइम तक के इसको इसी तरह से तेल में लिपटा के छोड़ के रखना है, ठीक है। और अगर आप रात में करते हैं तो आप सुबह के टाइम, यानी कि 12 घंटे का हिसाब आपने इसको तेल लगा के छोड़ने का देना है। चारों तरफ लगाना है इसके लेप। कितना तेल मैंने लिया है, ये चारों तरफ आराम से इसके लग जाएगा। ये देखिए तेल आराम से मैंने इसमें लगा दिया है, अच्छी तरह से इसमें लेप लग जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, 12 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको पानी में डिप करके फिर 12 घंटे के, यानी कि इसको पूरे 24 घंटे का प्रोसीजर होता है इसका, कि हांडी के अंदर ना तो पानी ये पिए ज़्यादा और ना ही आपके तेल में मसला हो। यानी कि आप सालन के हिसाब से तेल डालते हैं, लेकिन अगर वो हांडी पी जाएगी तो फिर आपके जैसे तो महीने का बजट ख़राब होगा और आपका सालन जो है वो बिना ऑयल के पकेगा, यानी कि सालन में टेस्ट बिल्कुल भी ऑयल का नहीं रहेगा, आपकी हांडी पूरा ऑयल पी जाएगी। और इसके अलावा आपके लिए जो ख़ास एक बात मैं कह रही हूँ कि जब आप पकाएं तो पहली बार में, यानी कि जब पहली बार पकाएंगे तो कोई दाल बनाइएगा कि कोई लिक्विड वाला सामान हो, ठीक है। यानी कि कोई सालन हो, जैसे आलू गोश्त का सालन पतला होता है थोड़ा, तो वो बनाइएगा, ताकि पानी हो तो वो इसमें जब्स होना चाहे तो हो जाए या तेल हो तो वो जब्स हो जाए, लेकिन कोई भी भुना हुआ सालन इसमें नहीं बनाना, ठीक है। कोई भुना सालन इसमें पहली बार में नहीं बनाना, सिर्फ लिक्विड वाला ही सामान इसमें बनेगा और लिक्विड वाली चीज़ ही इसमें बनेगी, ओके। ये देखिए जिसमें पतला शोरबा होता है, ग्रेवी होती है, उस टाइप का सामान इसमें फर्स्ट टाइम में बनेगा। और दूसरी टिप आपके लिए सबसे अहम ये है कि जिस वक्त आप पकाने के लिए खड़े होते हैं, जिस वक्त आप पकाते हैं तो उस वक्त आपने क्या करना है,
हांडी को चूल्हे पे पहले नहीं रखना जब तक कि हांडी में कोई सामान आप डालना नहीं, यानी कि तेल आप इसमें डालने के बाद फिर चूल्हा स्टार्ट कीजिएगा। ये ना हो कि आप चूल्हे पे पहले हांडी को गर्म कर लें उसके बाद उसमें तेल डाल लें तो हांडी क्रेक भी हो जाती है और फट भी जाती है। तो 12 घंटे हो चुके हैं, हमने रात में इसमें तेल लगाकर अच्छी तरह से आपके सामने रखा था। ये देखें तेल के बिल्कुल इसने जब्स कर लिया है, बिल्कुल तेल नहीं है, ज़रा से ही देखें हल्की सी चमक है, सब सूख गया है, जितना भी तेल हमने इसमें लगाया वो सब ये पी गया है। ये देखें अब हम क्या करेंगे इसे, अब हम इसे पानी में डिप करके रखेंगे, यानी कि जितना इसमें पानी इसको पीना होगा ये पानी पी लेगा। देखिएगा यहाँ हम इसको पानी में डाल रहे हैं, ये पानी पिएगा इसमें बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए हमने इसे पानी बिल्कुल डिप कर दिया है, अब ये पूरे दिन के लिए यानी कि शाम तक रात तक के, रात 7-8 बजे तक के अब ये डिप रहेगा, यानी पूरे 12 घंटे हम इसको डिप करके रखेंगे। और जब ये 12 घंटे पूरे डिप हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसे यूज़ करने के लिए निकालेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें आपको पका के भी दिखाएंगे कि फर्स्ट टाइम देखिए पानी पीने की निशानी ये होती है कि इसके अंदर ये देखें बबल्स बन रहे हैं, छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं, बबल्स बनेंगे तो फिर आप समझ लें कि ये पानी हांडी पी रही है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जब 12 घंटे हो जाएंगे इसको निकालना है, इसको अच्छी तरह से साबुन से वॉश करना है, वॉश करने के बाद इसको फिर पकाने रखना है। और जब आप रखेंगे तो इसको ठंडा गर्म मत कीजिएगा, यानी इसको पूरा नहीं सुखाना, ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें जब तक के आप तेल ना डाल दें, ठंडा तेल डाल के चूल्हे पे रखिएगा, फिर चूल्हे पे ही हाथ के हाथ हांडी तेल के साथ गर्म होगी, ठीक है। अगर आपको मसला हो कि भाई हांडी गीली है तो आप हांडी सुखाने का टाइम दें, हांडी सूख जाएगी फिर इसमें तेल डालकर आप इसे पकाने के लिए रख दें। 12 घंटे के लिए हमने हांडी को पानी में डिप करके रख दिया था, ठीक है। अब हम इसे पानी से निकाल लेंगे, ये देखिए अच्छा खासा ये पानी पी चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद हम इसे आराम से इस्तेमाल अब कर सकते हैं, ठीक है। साबुन लगा के अच्छी तरह से जैसे आप नॉर्मल बर्तनों को धोते हैं इसी तरह से इसको धो लें कि इसका जो ऑयल ऊपर है वो सब ख़त्म हो जाए। और 24 घंटे जो हमने इसको बाहर रख के निकाले, यानी कि इसमें तेल लगा के छोड़ा फिर उसके बाद हमने इसको पानी में डिप करके रखा, तो इसमें जो अलग से एक चिकनाई नुमा लेयर चढ़ जाती है, गंदगी सी हो जाती है, तो वो भी अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाएगी। अभी हांडी हमारी बिल्कुल तैयार है, इसमें सबसे पहले आपको जो कुछ भी बनाना है वो आपका लिक्विड का होना चाहिए, या तो शोरबे वाले सालन हो या फिर दाल हो, ठीक है। वो भी इसमें जो आपको ज़्यादा पतला पानी की तरह डालना हो थोड़ा सा, या हलीम बनाना हो, इस टाइप की चीज़ें बनाइए जो आपकी थोड़ी स्टार्टिंग में पतली बना सको, ताकि ये पानी जो इसको जब्स करना होगा पकते वक्त वो ये कर लेगा, या फिर आपका जो शोरबे वाला सालन बनेगा तो वो ये जब्स कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो दिल चाहे वो आप बना सकते हैं, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन दूसरी एहतियात आपने ये करनी है कि जब आप चूल्हे पर रखें तो गर्म पतीली यानी गर्म हांडी करने से पहले ही इसके अंदर पहले कुछ डाल दीजिएगा, ताकि इसकी हांडी का जो क्रैक आ जाता है, जो फट जाती है, वो चीज़ ना हो, ठीक है।